हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कई बार विश का यूज़ करते हैं और विश के बाद हम दैट क्लोज में वुड का यूज़ करते हैं। तो हम इस दैट क्लोज में वुड का यूज़ कब करते हैं और क्यों करते हैं? देखिए, कई बार हम ये आशा करते हैं, कई बार हम ये इच्छा करते हैं कि फ्यूचर में हमारे अकॉर्डिंग कोई कार्य हो, लेकिन हमें पता है कि हमारे अकॉर्डिंग, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा फ्यूचर में नहीं होगा। तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मतलब इस स्ट्रक्चर से किस चीज़ का बोध होता है? इस स्ट्रक्चर से इस चीज़ का बोध होता है कि स्पीकर चाहता है कि उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई कार्य हो फ्यूचर में, लेकिन उसे पता है कि वो कार्य बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब वो चाहता है कि फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग कोई कार्य हो, लेकिन उसे पता है कि वो कार्य नहीं होने वाला, तो इससे क्या होता है कि वो एनॉयड होता है। तो अपनी अनोयंस को, अपनी नाराज़गी को या अपने रिग्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो है इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर का यूज हम क्यों करते हैं? इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारी अकॉर्डिंग कोई काम हो, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई काम हो, लेकिन हमें पता है कि वो कार्य नहीं होने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो दैट के बाद जब हम वुड यूज करते हैं, तो इससे ये जो स्पीकर होता है उस स्पीकर की अनोयंस और रिग्रेट का बोध होता है। तो इस चीज़ को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल्स में जो है और अच्छी तरह से आपकी समझ में आने वाला है। तो देखिए, एवरीबडी एवरीबडी विशेज दैट यू वुड गो होम। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि तुम घर चले जाओ। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। इस सेंटेंस को बोलने वाला ये ए है, ये स्पीकर है, और लिसनर कौन है? बी। ए जो है बी से ये सेंटेंस बोल रहा है कि एवरीबडी विशेस दैट यू वुड गो होम, लेकिन ए को पता है कि बी घर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इस सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है कि ए चाहता है कि बी जो है वो अपने घर चला जाए। मतलब ए कह रहा है कि एवरीबडी विशेस दैट यू वुड गो होम, कि भाई सब लोग चाहते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन ए को पता है कि वो घर नहीं जाने वाला। और इस चीज़ से जो है ए एनॉयड है, या ये समझ लो कि वो निराश है, नाराज है, क्योंकि वो चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन ए को पता है कि ये नहीं होने वाला। तो यहाँ पे वुड के ये जो दैट क्लोज है, इस दैट क्लोज में ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वुड का यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। नेक्स्ट है, आई विश दैट यू वुड स्टॉप स्मोकिंग। अब यहाँ पे मान लीजिए ये ए स्पीकर है और बी लिसनर है। अब ए बी को कह रहा है कि आई विश दैट यू वुड स्टॉप स्मोकिंग, कि तुम धूम्रपान बंद कर दो। मेरी इच्छा है कि तुम धूम्रपान बंद कर दो, या काश तुम धूम्रपान बंद कर दो। हिंदी में आप चाहे कैसे भी कह लीजिए इसको, लेकिन इस सेंटेंस का जो वास्तविक मीनिंग है वो ये है कि ए जो है वो बी से कह रहा है आई विश दैट यू वुड स्टॉप स्मोकिंग, कि भाई जो बी है ये धूम्रपान बंद कर दे, मतलब स्मोकिंग को बंद कर दे, लेकिन ए को पता है कि ये काम नहीं होने वाला। मतलब बी जो है वो स्मोकिंग नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, इस सेंटेंस से ये मीनिंग निकल रहा है। और इस सेंटेंस से ये भी मीनिंग निकल रहा है कि ये जो ए है उसे पता है कि बी स्मोकिंग को नहीं रोक छोड़ने वाला। तो इस वजह से इस सेंटेंस से जो है वो ए की अनोयंस को, अनोयंस का बोध हो रहा है। मतलब इस सेंटेंस के द्वारा अपने रिग्रेट या अपने अनायंस को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विश दैट जैक वुड कॉल मी, कि मेरी इच्छा है कि जैक मुझे फ़ोन करे। तो इस सेंटेंस का भी यही मीनिंग है। मान लीजिए ए स्पीकर है, बी लिसनर है, और ए जो है वो ये बोल रहा है कि आई विश जैक वुड कॉल मी। ठीक है, ये मान लीजिए ये जैक है, तो यहाँ पे उसे पता है कि जैक जो है उसको फ़ोन नहीं करने वाला, उसे भरोसा है ए को। हालांकि वो सोच रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जैक फ़ोन करे, लेकिन ए को साथ में ये भी भरोसा है, ये भी विश्वास है कि जैक उसको फ़ोन नहीं करने वाला। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मीनिंग निकल रहा है। तो इससे इस सेंटेंस में जो है एक जो जो स्पीकर है उसकी अनोयंस या उसकी रिग्रेट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। जैसे आगे ब्रैकेट में लिख भी रखा है, जैसे अगर आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो एवरीबडी विशेज दैट यू वुड गो होम, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? बट यू विल नॉट, लेकिन मुझे पता है कि यू विल नॉट, मतलब तुम नहीं जाओगे। इसी प्रकार देखिए, आई विश दैट यू वुड स्टॉप स्मोकिंग, कि
कि मैं चाहता हूँ कि तुम धूम्रपान बंद कर दो, स्मोकिंग स्टॉप कर दो, बट यू वॉन्ट, लेकिन तुम नहीं करोगे, इसका ये मीनिंग निकल रहे हैं इसके। इसी प्रकार आई विश दैट इट वुड स्टॉप, नहीं ये रह गया आई विश दैट जैक वुड कॉल मी, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, लेकिन स्पीकर साथ में ये भी सोच रहा है कि बट इट लुक्स एज इफ ही वॉन्ट, कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि वो मुझे कॉल नहीं करेगा। इसी प्रकार से आई विश दैट इट वुड स्टॉप रेनिंग, कि मैं चाहता हूँ कि बारिश बंद हो जाए, मतलब इसमें यहाँ पे स्पीकर चाहता है कि बारिश जो है बंद हो जाए, लेकिन उसे पता है कि ये नहीं होने वाला, उसे इस चीज़ का भरोसा है कि ये नहीं होने वाला, मतलब उसे लग रहा है, बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है लेकिन ये बंद नहीं होने वाली। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस का यूज़ जो है स्पीकर जब करता है तो इसे स्पीकर की अनोयंस या रिग्रेट को एक्सप्रेस किया जाता है। इसी प्रकार से जब विश के बाद में वुडेंट का यूज़ किया जाता है तो ये इस चीज़ को रेफर करता है कि स्पीकर चाह रहा है कि काश कुछ ना हो फ्यूचर में, मतलब वो किसी ऐसे कार्य के बारे में आशा लगाए बैठा है कि काश ये काम ना हो फ्यूचर में, लेकिन उसे पता है कि ये तो होगा, तो इस सेंस को जो है शो करने के लिए विश के बाद में वुडेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, आई विश दैट यू वुडेंट कीप मेकिंग दैट स्टूपिड नॉइज़। यहाँ पर स्पीकर के कहने का मतलब क्या है कि काश तुम ये जो स्टूपिड नॉइज़ है इसको जारी ना रखो। जो ए है ये बी से बोल रहा है, मतलब ये यहाँ पे स्पीकर लगा लो और ये लिसनर लगा लो, ये इससे बोल रहा है कि काश तुम ये स्टूपिड नॉइज़ को जारी रखना बंद करो। लेकिन ए को लगता है कि ये नहीं रुकने वाला, मतलब ये तो जारी रखेगा, ठीक है, ये तो शोर करता ही रहेगा। तो यहाँ पे इस सेंस का बोध हो रहा है इस स्ट्रक्चर के द्वारा। तो ये जहाँ पे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का ये मीनिंग निकल रहा है, जब स्पीकर ये कहता है कि काश तुम ये स्टूपिड नॉइज़ को जारी रखना बंद करो, लेकिन यहाँ पे स्पीकर को लगता है कि ये काम तो होगा, अर्थात स्पीकर को क्या लगता है कि यू विल कीप मेकिंग दैट स्टूपिड नॉइज़। इसी प्रकार से विश के बाद जब हम वुड नॉट का यूज़ करते हैं तो वो एक ऑर्डर या एक क्रिटिकल रिक्वेस्ट की तरह होता है। जैसे अगर स्पीकर ये कहे आई विश दैट यू वुडंट ड्राइव सो फास्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लीज़ डोंट ड्राइव सो फास्ट। इसी प्रकार से अगर इस वुडंट की जगह डिड नॉट यूज हो जाए, ठीक है, आई विश दैट यू डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट, तो इसका मतलब होगा आई एम श्योरी यू ड्राइव सो फास्ट। इसी प्रकार से अगर स्पीकर कहे आई विश दैट यू वुडेंट वर्क ऑन संडेज, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लीज़ स्टॉप वर्किंग ऑन संडेज, मतलब स्पीकर ये कहना चाहता है कि प्लीज़ स्टॉप वर्किंग ऑन संडेज। लेकिन अगर वो यहाँ पे वुडेंट की जगह डिडेंट यूज़ कर रहा हो, जैसे आई विश दैट यू डिडेंट वर्क ऑन संडेज, तो इसका मतलब स्पीकर यहाँ पे जो अपनी जो है रिग्रेट जो है फील कर रहा है कि ये बड़ी दुख की बात है कि आपको ऐसा करना पड़ता है। मतलब जब यहाँ पे वुडेंट प्लस यहाँ पे जब वुडेंट यूज़ किया जा रहा है तो एक किस्म से यहाँ पे एक क्रिटिकल रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।